हेलो फ्रेंड्स, विमल कुकिंग चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं बनाने वाली हूँ मिल्क पाउडर से गुलाब जामुन। गुलाब जामुन बनाने के लिए ले लिया दूध, अब इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर, इसमें डालेंगे 4 चम्मच मैदा, दो चम्मच सूजी, इसे करेंगे मिक्स। इसे अच्छी तरह करेंगे मिक्स, गुठलियां सारी खत्म कर देंगे। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच घी, अब इसे करेंगे मिक्स। गैस ऑन करके रख देंगे पैन, और अब इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे धीरे धीरे, मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे, और ये गाढ़ा बैटर की तरह तैयार हो जाएगा। और पैन छोड़ने लग गया है, चलाते रहेंगे। इसमें डालेंगे हरी इलायची और इसको करेंगे मिक्स। मिक्स करने के बाद, बैटर ठंडा हो जाने के बाद कर लेते हैं ट्रांसफ़र थाली में, और स्पैटुला से ठंडा करते हैं धीरे धीरे। जब तक हमारा बैटर ठंडा होता है तब तक हाथ से चेक कर लेते हैं, ठंडा होने में टाइम लगेगा। और गैस ऑन करके बना लेते हैं चाशनी। गैस पे रख दी है कढ़ाई, इसमें डालेंगे लगभग आधा लीटर पानी, और इसमें डालेंगे 2 कटोरी चीनी, ये गई 1 कटोरी, और ये दूसरी। चम्मच से चाशनी को घुमाएंगे, चीनी होती है जब तक मेल्ट हमारी। इसमें डालेंगे हरी इलायची का पाउडर, और चम्मच से चीनी को घोलते हैं कंटिन्यू चलाते हुए। चाशनी हो रही है रेडी हमारी, जब तक चीनी हमारी हो गई है मेल्ट, चाशनी हमारी रेडी हो गई है, और चेक कर लेते हैं। चाशनी हमारी रेडी हो चुकी है चिपचिपी वाली। अब गैस कर देते हैं बंद, चाशनी पे लगाते हैं एक ढक्कन, अब आ जाते हैं बैटर पे। बैटर हमारा लगभग ठंडा हो चुका है,
और हाथों पे लगाएंगे हल्का सा घी। अब इसको मसलेंगे अच्छी तरह से, स्मूथ बिल्कुल मसलना है इसको। और इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर चुटकी भर, मिलाने के बाद अब इसे कंटिन्यू मैश करेंगे। अच्छी तरह से बेकिंग पाउडर में मिक्स हो जाना चाहिए, मिक्स हो चुका है। अब इस बना लेते हैं छोटे छोटे बॉल्स, हाथों पे लगा देते हैं घी। अब छोटे छोटे लोइयां तोड़ेंगे, ऐसे छोटे छोटे, ऐसे गोल गोल रसगुल्ले बना के दोनों हथेलियों से बनाते जाएंगे। ऐसे इसी साइज के सारे रसगुल्ले बना लेंगे। गैस ऑन करके रख देते हैं कढ़ाई, कढ़ाई में डालते हैं ऑयल, ऑयल हो गया हमारा गरम। इसमें एक रसगुल्ला डाल के चेक कर लेते हैं कि हमारा रसगुल्ला ठीक बना है कि नहीं। एक रसगुल्ला फ्राई करते हैं मीडियम आंच पे। अब इसे चम्मच की सहायता से घुमाएंगे, इसे कंटिन्यू चलाएंगे रसगुल्ला ब्राउन होने तक। लगभग रसगुल्ला हमारा ब्राउन हो चुका है। इसे कंटिन्यू चलाएंगे, लगभग हमारा रसगुल्ला बिल्कुल ब्राउन हो चुका है। इसे निकाल लेते हैं, चाशनी में डाल दिया है। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब चाशनी पर लगा देते हैं ढक्कन। अब रसगुल्लों को फ्राई करते हैं एक एक करके, एक एक करके डालते जाएंगे। इसे चम्मच नहीं लगाएंगे और कढ़ाई हिलाएंगे धीरे धीरे, ऐसे
चम्मच की सहायता से इसे घुमाएंगे गोल गोल। इसे तब तक फ्राई करना जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। कंटिन्यू चलाते जाएंगे। इसे कंटिन्यू चलाएंगे जब तक ये ब्राउन ना हो जाए रसगुल्ले। इसे चलाते रहेंगे। रसगुल्ले हमारे ब्राउन हो चुके हैं, अब इसे निकाल लेते हैं। अब इसको निकाल लेते हैं। इसे डाल देते हैं चाशनी में और जो बचे हैं इसे भी निकाल लेते हैं। सारा एक्स्ट्रा ऑयल निकाल देते हैं। इसे भी डालते हैं चाशनी में। सारे रसगुल्लों को हमने चाशनी में डाल लिया है। इस पर लगाते हैं ढक्कन। अब इसे एक घंटा ठंडा होने तक रख देते हैं। एक घंटा हो चुका है, अब हम चेक करते हैं गुलाब जामुन को। एक पीस उठा के देखते हैं कि इसमें रस भरा है कि नहीं। अब इसे सर्व करते हैं पिस्ते से। हमारे गुलाब जामुन तैयार हो चुके हैं।